हेलो स्टूडेंट, आज रिवीजन में हम लोग टॉपिक ले रहे हैं। सेकंड यूनिट का टॉपिक है, इट इज़ द सेकंड टॉपिक ऑफ सेकंड यूनिट, दैट इज ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ पैटर्न बाय विच वी कैन मर्ज टू और मोर थिंग्स टुगेदर एंड वील फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन आफ्टर मर्जिंग द पैटर्न। तो ये जो प्रॉब्लम है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, और यहाँ पर मर्जिंग कॉस्ट से आपको लेना देना है। मतलब मर्जिंग कॉस्ट जितनी हमें मिनिमम मिलेगी वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। सो जैसा कि मैंने बताया था कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दो तरह की होती है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। यहाँ पर जितनी भी मर्जिंग कॉस्ट आएगी वो हमेशा हमें लीस्ट लेनी है, जितनी लीस्ट मर्जिंग कॉस्ट आएगी उतना ही वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न क्या है। तो मर्जिंग आप जानती हैं, हमारे पास सपोज दो फाइलें हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी। दोनों फाइल को हमें मर्ज करना है, दोनों फाइल्स में कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना। आप देख रहे हैं दोनों फाइल्स में कुछ एलिमेंट्स हैं, लिस्ट ए में भी एलिमेंट्स हैं, लिस्ट बी में भी एलिमेंट्स हैं, और दोनों को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। और एक तीसरी लिस्ट हमें तैयार करनी है, मतलब आफ्टर मर्जिंग क्या होगा, एक थर्ड लिस्ट तैयार तैयार होगी, एक थर्ड लिस्ट यहाँ पर रेडी हो जाएगी जो कि आपके रिजल्टेंट लिस्ट होगी। तो मर्जिंग क्या है, अ मर्ज इज अ सेट ऑफ सॉर्टेड फाइल ऑफ डिफरेंट लेंथ इनटू सिंगल सॉर्टेड फाइल। मतलब जो आपकी सॉर्टेड फाइल्स हैं उनको हमें मर्ज करना है, जो कि अलग अलग लेंथ की भी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही सेम लेंथ की हैं, अलग अलग लेंथ की भी हो सकती हैं, और उन्हें मर्ज करके हमें क्या करना है, एक सिंगल सॉर्टेड फाइल में उन्हें मर्ज करना है, और एक रिजल्टेंट आपकी सॉर्टेड फाइल क्रिएट हो जाएगी। वी नीड टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन वेयर द रिजल्टेंट फाइल विल बी जनरेटेड इन मिनिमम टाइम। तो जैसा कि मैंने बताया, इट इज ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न एंड इट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड दिस इज अ काइंड ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मिनिमाइजेशन का मतलब यहाँ पर है कि जो भी आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, जो भी रिजल्टेंट फाइल आपकी जनरेट होगी वो मिनिमम टाइम में होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मर्जिंग कॉस्ट हमारी क्या होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ सॉर्टेड फाइल्स आर गिवन देर आर मैनी वेज टू मर्ज देम इनटू सिंगल सॉर्टेड फाइल। मतलब अगर आपको बहुत सारी सॉर्टेड फाइल्स दी हैं तो उन्हें सभी को आपस में मर्ज करके एक सिंगल सॉर्टेड फाइल बनाने में बहुत सारे मेथड्स हमारे पास हैं, बहुत सारे पैटर्न हमारे पास होते हैं, ठीक है। दिस मर्ज कैन बी परफॉर्म पेयर वाइज। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे वो पेयर वाइज मर्जिंग है, एंड दिस टाइप ऑफ मर्जिंग इज कॉल्ड टू वे मर्ज पैटर्न। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन, आरबीपीवी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न के नाम से भी आ सकता है, और ऐसा भी आ सकता है एक्सप्लेन टू वे मर्ज पैटर्न यूजिंग सम सुटेबल एग्जाम्पल। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि मैंने मर्जिंग कैसे की है। आपके पास लिस्ट ए है और लिस्ट बी है, और दोनों ही लिस्ट आप देख रहे हैं कि सॉर्टेड हैं। सॉर्टेड का मतलब लिस्ट ए के एलिमेंट्स अपन देखें 3, 8, 12 और 20, ये क्या है, आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। लिस्ट बी में भी जो एलिमेंट्स हैं ये भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। लिस्ट सी में क्या हो रहा है, मर्जिंग के बाद लिस्ट सी में भी जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में ही मर्ज होके हमें मिल रहे हैं। तो देखिए कैसे मर्जिंग स्टार्ट हुई। तो लिस्ट ए का पहला एलिमेंट 3 और लिस्ट बी का फर्स्ट एलिमेंट 5, इन दोनों में आपस में कंपैरिजन हुआ, 3 इज स्मॉलेस्ट देन 5, देन लिस्ट सी में क्या अपेंड हो जाएगा, यहाँ पे 3 चला जाएगा, मतलब 3 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा बिकॉज 3 इज अ लेस देन 5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 8, 8 का यहाँ पर 5 से कंपैरिजन होगा, 8 और 5 में से छोटा कौन है, 5 छोटा है तो 5 यहाँ पर अपेंड हो जाएगा लिस्ट सी में, ठीक है। देन 8 एंड 9 विल बी कंपेयर्ड। अब यहाँ पर 8 मर्ज हो जाए, 8 आपका अपेंड हो जाएगा लिस्ट सी में, देन 12 और 9 का कंपैरिजन होगा तो 9 यहाँ पर अपेंड हो जाएगा सी में, देन 12 और 11 का होगा देन 11 आ जाएगा सी में, लिस्ट सी में, और देन 12 और 16 का होगा तो 12 आ जाएगा, 12 और सॉरी 20 और 16 का होगा तो 16 आ जाएगा, एंड एट द लास्ट दी मैक्सिमम एलिमेंट विल बी अपेंड टू द रिजल्टेंट लिस्ट सी। तो इस तरह से आपकी मर्जिंग होती है, और आपकी एक सिंगल सॉर्टेड फाइल
जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें कि टाइम कितना लगा, क्या मर्जिंग कॉस्ट है इसकी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके लिस्ट ए में हैं और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके लिस्ट बी में हैं, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, दैट मीन्स एम प्लस एन, एम हमने दे दिया यहाँ पर लिस्ट ए के एलिमेंट्स के नंबर को और लिस्ट बी के लिए हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो एम और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फोर और फोर है। तो मर्जिंग कॉस्ट क्या आएगी, टाइम टेकन फॉर मर्जिंग क्या होगा, एम प्लस एन, दैट मीन्स फोर प्लस फोर, इट विल बी एट। ठीक है, तो इस तरह से आपके मर्ज पैटर्न बनते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से मर्ज पैटर्न अपन बनाते हैं। एक आपको लिस्ट दी हुई है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, फाइल्स मान लीजिए इनको, कि फाइल ए है, फाइल बी है, फाइल सी है, फाइल डी है, और इन सभी चारों फाइल्स के आपको क्या दिए हैं, साइज भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मर्जिंग करना है। और ध्यान में रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया, इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा मर्ज पैटर्न है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है, जिससे हमारी मर्जिंग कॉस्ट सबसे कम निकल कर आ रही है। ठीक है, हालांकि आपको ये सारे पैटर्न एग्जाम में नहीं लिखने हैं। ठीक है, आपको केवल और केवल वो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न ही बनाना है जिससे आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब सबसे लीस्ट मर्जिंग कॉस्ट आप फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको केवल एक ही सॉल्यूशन देना है। यहाँ पर मैंने बताया कि किस तरह से पैटर्न आप बना सकते हैं, किस तरह के पैटर्न हो सकते हैं, है ना, और लास्ट में अपन देखेंगे कि एक ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न जिससे ही आपका मर्जिंग कॉस्ट निकलेगा। तो सबसे पहला पैटर्न देखते हैं, सबसे पहला पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न वन। तो जैसे यहाँ पर एलिमेंट दिए हैं उसी के हिसाब से अपन मर्जिंग स्टार्ट करते हैं। तो सारे फाइल्स के नाम यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी सी डी, और इनका जो साइज दिया है वो भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले मर्जिंग अपन पेयर वाइज करते हैं। तो सिक्स और फाइव को अपन ने मर्ज किया, तो ये क्या हो गया, सिक्स प्लस फाइव 11, मतलब दो फाइल्स को अपन ने मर्ज किया आपस में, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, 11। अब इस 11 का इस 2 में मर्ज किया तो वी हैव अ 13, और इस 13 का इस 3 में मर्ज किया तो हमारे पास क्या आ गया, 16। अगर तीनों को अपन ऐड करें, मतलब हर स्टेज में जो भी आपका कॉस्ट आई है मर्जिंग, उन सभी कॉस्ट को ऐड करें तो फाइनल कॉस्ट यहाँ पर निकल के आती है 14, 11 प्लस 13 प्लस 16, तो द मर्जिंग कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज 40। ठीक है, पैटर्न टू देखें यहाँ पे। पैटर्न टू में अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पर पेयर्स बना लिए, पेयर्स किस तरह से बना लिए, अपन ने इन चारों फाइल्स को सेट में डिवाइड कर दिया है, दो फाइल्स का अलग सेट और दो रिमेनिंग फाइल्स का अलग सेट। जैसे यहाँ पर 6 प्लस 5, मतलब दो फाइल्स ए और बी को आपस में मर्ज किया, तो इनके जब साइज मर्ज होंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और सी और डी का एक अलग सेट बनाया था, इनको आपस में मर्ज किया, 2 और 3 को अपन ने इनके साइज को मर्ज किया तो कितना हो गया, 5 हो गया। और 11 और 5 को फिर लास्ट में अपन ने जाके मर्ज किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। ये देखते हैं कि इस पैटर्न में, पैटर्न टू में मर्जिंग कॉस्ट हमारी कितनी आई है। तो हर स्टेप पे, हर स्टेज पे जितनी भी कॉस्ट आई है उसको सबको ऐड कर देते हैं, 11 प्लस 5 प्लस 16, इट विल बी 32। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पैटर्न वन में हमारे पास मर्जिंग कॉस्ट कितनी, इन चार फाइल्स को मर्ज करने के बाद 40। पैटर्न टू में हमारे पास कितना है, 32। ठीक है, पैटर्न थ्री देखते हैं। पैटर्न थ्री में हमने क्या किया, पैटर्न वन का जस्ट सपोजिट किया, पैटर्न वन में हमने लेफ्ट साइड से मर्ज करना स्टार्ट किया था, पैटर्न थ्री में हमने इसका जस्ट अपोजिट किया, राइट साइड से इसको मर्ज करना स्टार्ट किया। तो 2 और 3 को पहले अपन ने मर्ज किया, इट विल बी 5, फिर 5 को 5 से मर्ज किया, इट विल बी 10, और 10 को 6 से मर्ज किया, इट विल बी 16। तो आप देख सकते हैं कि पैटर्न 3 में जो मर्जिंग कॉस्ट हमारी आई है वो आई है 31, क्योंकि सारी स्टेज पर हमने कॉस्ट को ऐड कर दिया है, 5 प्लस 10 प्लस 16, इट विल बी 31। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों पैटर्न में हमारे पास जो मर्जिंग कॉस्ट है वो वेरी हो रही है, कि पहले पैटर्न में हमारे पास 40 आई, दूसरे पैटर्न में हमारे पास 32 आई, थर्ड पैटर्न में हमारे पास 31 आई। तो अब एक यहाँ पर सिचुएशन अराइज होती है कि क्या ये ऑथेंटिक मेथड्स हैं जिससे हम ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न फाइंड आउट करें, ऑप्टिमल मर्जिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर पा रहे हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप किस मेथड को लें आप नहीं सोच सकते, है ना।
तो यहाँ पर पैटर्न 3 में आपको लीफ कॉस्ट मिल रही है, पैटर्न 2 में आपको 32 मिल रहा है, पैटर्न 1 में आपको 40 मिल रहा है। तो और कोई मेथड हो सकती है जिससे और इनके बीच का कोई मर्जिंग कॉस्ट निकल के आए। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर मर्ज पैटर्न क्या करने पड़ रहे हैं, ट्राई करने पड़ रहे हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है, आरजीबी के एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो इतने सारे पैटर्न्स आपको नहीं बनाने हैं, बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, क्योंकि वहां पर आपको एक ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न जो कि आपकी लीस्ट मिनिमम मर्जिंग कॉस्ट यहाँ पर फाइंड आउट करेगा, वो पैटर्न ही यूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या वो मर्जिंग पैटर्न होगा। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 फाइल्स दी हुई हैं, X1, X2, X3, X4 और X12। अब यहाँ पर ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, यही मेथड आपको आरजीबी में एज अ सॉल्यूशन यूज करना है किसी भी ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न के क्वेश्चन के लिए। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको यही मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले अपन देखें कि हर लिस्ट में, मतलब लिस्ट में हमारे पास कितनी फाइल्स हैं। सपोज यहाँ पर दी हुई है 5 फाइल हमारे पास दी हुई है, X1 to X5, और हर फाइल का एक साइज हमें अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारे पास काम होगा कि हमें फाइल को उनके साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना। सॉर्ट करने का मतलब विल हैव टू अरेंज ऑल दी साइज ऑफ दी फाइल इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की फॉर्म में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन सभी साइज को अरेंज करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अरेंज किया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर हम इनको सॉर्ट करेंगे तो सीक्वेंस में सबसे पहले X4 फाइल आती है, देन X3 आती है, देन X1 आती है, X2 आती है, देन एट द लास्ट क्या होता है, X5 आती है। तो आप इसको इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पेयर वाइज मर्जिंग करेंगे। 5 और 10 को अपन ने मर्ज किया, इट विल बी 15। 15 को 20 से मर्ज किया तो इट विल बी 35। अब यहाँ पर देखिएगा, X2 और X5 की बात करें तो दोनों का यहाँ पर साइज सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को पहले मर्ज कर देंगे। तो 30 और 30 को यहाँ पर मर्ज किया अपन ने, तो इट विल बी 60। और एट द लास्ट फाइनल मर्जिंग के लिए हमने क्या किया, 35 और 60 को यहाँ पर मर्ज किया, तो द कॉस्ट यहाँ पर निकल के आई हमारे पास 95। अगर हम इसको पूरी कॉस्ट को हम इसको चेक करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 205 आ जाएगी। मतलब हर स्टेज पे जो भी हमारी मर्जिंग कॉस्ट आई है सबको हमें ऐड कर देना है, समेशन कर देना है। 15 प्लस 35 प्लस 95 प्लस 60, इट विल बी 205। सो 205 इज द मर्जिंग कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना। और ये सबसे लीस्ट कॉस्ट है। आप चाहें तो ऊपर जो मैंने पैटर्न्स आपको बताए हैं, इन सारे पैटर्न्स को यूज करके चेक कर सकते हैं कि भाई किस पैटर्न में मर्जिंग कॉस्ट कम आ रही है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। आपको अगर चेक करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ये जो मैंने मेथड बताई है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न की, इसी मेथड से आपको मर्जिंग करनी है, बिकॉज दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जिससे आपका ऑप्टिमल पैटर्न है, ऑप्टिमल मेथड है जिससे आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब आपकी लीस्ट मर्जिंग कॉस्ट निकल के आएगी। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेरे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से अपन चेक कर सकते हैं कि ये 205 जो आया है मर्जिंग कॉस्ट, ये सही है कि नहीं है। इट इज जस्ट लाइक अ चेक, आप चेक कर सकते हैं इसको। तो डी समेशन फॉर्मूला क्या है, समेशन DI इंटू XI। तो DI यहाँ पर क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर फाइल, एंड XI इज द साइज ऑफ द पर्टिकुलर फाइल। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करने का मतलब क्या है, तो 5 किसका साइज है, X4 का साइज है। अगर हम रूट से देखें तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर कितनी एज हमारे पास आ रही है, 1, 2, 3, मतलब 3 एज के अकॉर्डिंग, 3 एज को यूज करके अपन इस X4 फाइल पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो जस्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 5, देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 1, 2, 3, अगेन 3 एजेस का यूज करके अपन X3 फाइल पर पहुंच सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 20 फ्रॉम द रूट, 1 एज एंड इट इज अ सेकेंड एज,
दो एज का यूज करके अपन इस पर्टिकुलर x1 फाइल पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई 2 मल्टीप्लाई बाय 20, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 1 फ्रॉम द रूट, 1 फर्स्ट एज, देन सेकेंड एज। तो इन दो एज का यूज करके अपन x2 पर पहुंच सकते हैं, अगेन 1 एज एंड दिस इज द सेकेंड एज। तो इन दो एज का यूज करके अपन x5 पर पहुंच सकते हैं। इसका भी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 होगा। इस पूरी इक्वेशन का अगर समेशन करेंगे तो विल गेट की मर्जिंग कॉस्ट 2 नॉट 5। तो इस तरह से आप मर्जिंग कर सकते हैं और लीस्ट मर्जिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। और आरजीबी में क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें कोई भी मार्क्स काटने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी बहुत इजी है इसका, आसानी से आप कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी अगर इश्यू आता है, कोई भी डाउट है, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।